स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज, जो 12 चैप्टर का है उसकी हम रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो रिवीजन एक्सरसाइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सभी को हेल्प करेंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या फिर कोई छोटे बच्चों के लिए है, तो ये सभी को हेल्पफुल है ये वाला रिवीजन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप ध्यान से इनको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द लिक्विड हेल्ड बाय अ कंटेनर इज कॉल्ड इट्स। जो हम लिक्विड को हम इसमें कंटेनर में डालते हैं और उसको वहाँ पर उसमें रोक के रखते हैं या फिर उसमें डाल के रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी। तो हम कैपेसिटी के बारे में ही हम 12 चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा हमारा कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज मेजर्ड इन। तो जो कैपेसिटी है वो एक बकेट होती है, एक बाल्टी होती है, इज मेजर्ड, तो किस में हम उसको मेजर करते हैं, लीटर्स में। किस में, लीटर्स में। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है। द मेडिसिन इन आई ड्रॉप्स इज मेजर्ड इन। तो हमें बतानी है जो आई ड्रॉप्स वाली जो मेडिसिन होती है, जो हम आँखों में दवाई डालते हैं, एक छोटी सी ट्यूब जैसी आती है, ट्यूब नहीं, वो छोटी सी बोतल ही होती है, तो उसको हम उसमें जो दवाई होती है उसको हम किस में मेजर्ड करते हैं, मिली लीटर में। किस में करते हैं, मिली लीटर में, क्योंकि वो बहुत कम होती है। और जो कम चीज़ को, जो लिक्विड की जो कम क्वांटिटी होती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मिली लीटर्स में। यहाँ पर देखिए, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर से हम कितना लीटर बनेगा हमारा, 1 लीटर। तो 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, 1 लीटर। द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इन विच यू ड्रिंक मिल्क इज क्लोजर टू। तो जो एक ग्लास की कैपेसिटी है, तो यहाँ पर बतानी है कि विच यू ड्रिंक मिल्क इज क्लोजर टू। तो यहाँ पर बताए कि ग्लास की जो कैपेसिटी है कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो इसका सही आंसर है वो है हमारा 250 ml, जो हमारा 4 वाला ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए, 5 लीटर 720 ml माइनस 940 ml। तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है ये इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर जब हमारा ये है 720 ml और यहाँ पर है 940 ml, तो ये 720 ml से 940 ml ज़्यादा है, तो इधर हमारा 4 ml बन जाएगा। तो 4 ml ये 4 लीटर बन जाएगा, और 4 लीटर तो हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे 4 लीटर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 लीटर ये है और ये हमारा हो जाएगा 780। कितना हो जाएगा हमारा, 780। तो हमारा आंसर हमारा ये है, 4 लीटर यहाँ पर देखिए जी वाला क्वेश्चन है। 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। जो 5 ग्लासेस ऑफ वाटर है वो किसके इक्वल है, 1 लीटर के। इफ़ अ बकेट कैन होल्ड 10 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट। तो आपको बताना है कि यदि एक जो यह 5 गिलास जो पानी है वो किसके बराबर है, 1 लीटर के, और हमें क्या भरना है, एक बकेट में हमें 10 लीटर वाली बकेट है उसमें हम 10 लीटर वाटर भरेंगे, हाउ मैनी ग्लासेस। तो हमें बताने हैं कि कितने ग्लासेस
भरने की ज़रूरत है वहाँ पर, इसमें कितने ग्लासेस हमारे फिल करने हैं। तो यहाँ पर हम 10 से हम 5 ग्लास को कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 50, 10, 5 या 50, यानी 50 ग्लासेस हमारा क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए, यानी हमें 50 ग्लास चाहिए जिससे वो बकेट भर जाए। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 लीटर 740 ml फ्रॉम 14 लीटर 5 ml इज़, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 14 में से 9 लीटर, इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा कितना बचेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जैसे हम इस तरह से करके देखेंगे तो 14 लीटर हम ऊपर लिख देंगे और 5 ml, तो हमारा हो जाएगा इस तरह से हम 5 ml लिख लेंगे। फिर हम माइनस करेंगे इसको 9 लीटर एंड 740 ml, तो यहाँ पर हम ml लिख लेते हैं, ऐसे हम अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर 5 यहाँ इधर से हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6, यहाँ पर हो गया 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमारा बचा 3, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 लीटर एंड 265 ml, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ 5 ml एंड 650 ml एंड 2 लीटर 350 ml इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हमें इसको जो इसका और इसका हम जब सम करेंगे यानी कि इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 आ जाएगी हमारी, 5 5 10 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 6 9, और ये हमारा हो जाएगा 2 5 7। तो यहाँ पर हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे द सम ऑफ 5 लीटर एंड 650 ml एंड 2 लीटर 350 ml इज़ इक्वल टू, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8 लीटर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 8 लीटर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 0 0 और 5 5 10 0 और 6 3 9 प्लस 1 10 0 और 5 2 7 प्लस 1 8, तो हमारा आ गया 8000 आ जाता है, तो 8000 का हमारा बन जाएगा 8 लीटर। 3 बकेट कंटेन मिल्क 10 लीटर 125 ml 17 लीटर 5 ml एंड 14 लीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द 3 बकेट्स। तो आपको बतानी है 3 बकेट हैं, उसमें जो मिल्क है 10 लीटर 125 ml 17 लीटर और 5 ml एंड 14 लीटर, तो इस तरह के ये बकेट हैं 3, और इनको हमें क्या करना है, हमें टोटल बताना है इनका, तो कितना होता है, तो 10 10 और 14 कितना हो जाता है 24 24, और 17 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हम जब टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 41 इन तीनों को, और ये अगर हम इनको ml को टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 5 10 0 और फिर यहाँ पे 2 है 2 1 3 और 1 यानी कि 130, तो ये हमारा हो जाएगा 41 लीटर एंड 130 ml। तो इस तरह से हम करेंगे, और ये वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर 200 ml है प्लस, तो
कितना हम यहाँ पर प्लस करें कि यहाँ पर 1 लीटर हो जाए, तो यहाँ पर तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, तो हमारा हो गया यहाँ पे 800। यहाँ पर 500 ml प्लस 500 ml प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 ml एंड 500 ml, तो हमारा जब चार बार हमारा 500 आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 लीटर, क्योंकि 2 लीटर इज इक्वल टू बन जाता है हमारा 2000 ml। तो यहाँ पर है इतना, यानी 5385 ml है। तो इसको हमें कैसे कैसे करना होगा, तो यहाँ पर 5 लीटर, क्योंकि ml में होता तो हम यहाँ पर 5000 लिख देते हैं, यहाँ पर है लीटर में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 लीटर प्लस 384 ml, 3 लीटर प्लस, अब यहाँ पर 3 लीटर दे रखा है और यहाँ पर हमारा 4 लीटर है, तो और यहाँ पर हमारा 250 ml है, तो 250 में ऐसा क्या प्लस करें कि ये वाला हमारा 1000 हो जाए, ये 3 लीटर पहले से ही है तो हमें ज़रूरत है हमारे यहाँ पे प्लस करने की 1000 में, तो 1000 में से 250 इधर दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 750, कितना हो जाएगा 750, 5 5 10 और 279 प्लस 1 हो गया हमारा, तो ये हमारे इस किसके बराबर हो गया, 4 लीटर के। यहाँ पर 250 ml प्लस 250 ml प्लस 300 ml, तो ये हमारा यहाँ पर है 250, ये तो हो गया 500 और ये हमारा हो गया 300, तो हमारा 500 प्लस 300 800, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 200। तो इस तरह से हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है वो बड़े बच्चों के लिए भी, सभी के लिए है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सभी में ही आते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में।